वो कहते हैं ना, अनप्लान्ड ट्रिप्स आर द बेस्ट बिकॉज प्लान ट्रिप्स नेवर हैपन. कुछ ऐसा ही सफ़र मान लो इसे. अरुणाचल प्रदेश के बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशंस में से एक है ये अनिनी. क्योंकि कोई भी गाड़ी सीधा अनिनी तक नहीं जाती, तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से आ रहे हो तो ईटानगर से आप वोल्वो बस सर्विसेज या तो शेयर्ड टैक्सीज या सुमोस आप ले सकते हो जो रोइंग तक जाता है. एंड रोइंग तक है 340 किलोमीटर्स एंड 7 घंटे का सफ़र पड़ेगा. और अगर आप सियांग बेल्ट से आ रहे हो तो पासीघाट से होते हुए आप रोइंग तक जा सकते हैं एंड पासीघाट से रोइंग का सफ़र है 2 घंटे का. और रोइंग से आपको अनादर 6 to 7 hours का सफ़र पड़ेगा अनिनी के लिए, वो भी शेयर्ड सुमोस या बसेस में. चलिए आपको मैं आपको हमारे लंच एरिया में दिखाऊंगी, क्या ले जाऊंगी वहीं पे. Good morning, everyone. I'm just strolling down in the streets of Anini. सुबह सुबह 6 बजे अनिनी का व्यू. एंड इस तरफ है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी अनिनी स्कूल. अनिनी के चारों ओर बर्फ है. गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनिनी. तो फिलहाल अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अच्छी सो. चलो लेट्स गो. तो हम लोग अच्छे से पहुंच गए हैं. आप देख रहे हैं ये प्लेस, ये देखिए एक टेंट पिच करके ऑलरेडी रखा हुआ है. और देखिए यहाँ बहुत क्यूट, इसको हम लोग गलो एरिया में भी मिलता है. ये स्ट्रॉबेरी है और ये श्रीनगर का एप्पल ऑर्चर्ड से कोई कम नहीं है. चलो मेरे साथ कैमरा पर्सन भी एक ब्लॉगर है. देखो नदी का सुंदरता ब्लेंड हो रहा है. इस जगह पे आप टेंट पिच कर सकते हैं. देखिए कितना ब्यूटीफुल नजारा है.
ये बारिश होने के कारण थोड़ा जो डार्क हो गया ना कलर, अदरवाइज ये ग्रीनिश होता है। नेचर के साथ ये जो व्हाइट कलर का जो ये है फ्लावरिंग है और भी इसको कम्प्लीमेंट कर रहा है। जो कैमरा में नहीं आ रहा है चीगू रिजॉर्ट पहुंच गया है। बहुत ही पॉपुलर एंड अपकमिंग इंटरेस्टिंग बहुत ही फाइन रिजॉर्ट बनने वाला है। अभी तक बना नहीं है, फुल्ली फ्लैश। तो आपको अभी जो अभी तक कितना बना है, अभी तक नज़ारा कैसा है और कुछ कुछ दिखाएंगे, आगे बने रहिए इस वीडियो में। और मेरे सामने है बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा, देखिए आप, एकदम कैलेंडर पोस्ट कार्ड सीनरी वाला सीन लग रहा है यहाँ पे। फाइनली हम चीगू रिजॉर्ट में आ गए हैं। देखिए अभी तो फुल्ली फर्निश नहीं है, सब लॉक्ड है रूम्स, लेकिन एक अभी छोटा सा आपको हाईलाइट दिखाऊंगी कैसा होगा इनसाइड। पूरा बना नहीं है कि हट के अंदर ऐसा है कुछ। टू बेड्स लगे हुए हैं एंड आगे आपको यहाँ पे गीज़र, वॉश मशीन, टॉयलेट ऐसा होगा अगर फुल्ली बन जाता है तो। ये स्लाइड सी एक डेमो है। वाओ, ये देखिए सब ये ऊंट से बनाया गया है। और अभी ये मंथ चल रहा है हमारा अप्रैल, कुछ लास्ट 28, आज 29 अप्रैल है 2023। देख सकते हैं अब नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर है वाटरफॉल, बारिश हो रही है और आई गेस ये कुछ डेक्स है यहाँ पे, डेक एरिया यहाँ पे। वाव, यहाँ पे बिग सिटिंग अरेंजमेंट है एंड इस तरफ भी कुछ सिटिंग अरेंजमेंट्स है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। सिमिलरली सेम हियर इस साइड भी है और यहाँ पे है वॉश बेसिन्स। और आगे यहाँ भी सिमिलरली उस तरफ जैसा है सेम, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है। यहाँ पे आप बैठ के सीनिक व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, स्नैक्स वगैरह। आई थिंक यहाँ पे कुछ ईटेबल्स आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक फूड सर्विसेज भी होगा, तो इसी के लिए बनाया गया है टेम्प्ररी। ऊपर से कुछ बारिश भी गिर रहा है यहाँ पे। वाह, और यहाँ पे भी कुछ स्टेज, आई गेस नॉट सो श्योर, पर मेरे हिसाब से समथिंग कुछ परफॉर्मेंस वगैरह के लिए स्टेज है वो। और इस तरफ निकलेंगे तो देखिए, ओ माई गॉड, सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। अभी तो बारिश हो रही है, अगर धूप होता तो कितना पोस्ट कार्ड व्यू होता है ये देखिए। अभी भी कुछ कम नहीं लग रहा है,
ये रिवर, रिवर के ऊपर नजारा वाटरफॉल का। इस तरफ इसको मिला के 6 हाथ से एंड यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 11 हाथ से है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं ये बंद है, अभी तक बना नहीं है, रेडी नहीं है लॉजिंग के लिए। और आगे आई गेस यहाँ और कुछ भी बनेगा, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 है खाली है। और ये वॉशरूम है और ये है रिवर साइड व्यू, ग्रीन रिवर, पाइन ट्री, माउंटेन्स, कितना पीसफुल नजारा है। वाह, वॉलीबॉल वॉलीबॉल वगैरह खेल सकते हैं, इसीलिए ये कोर्ट्स बना के रखे हुए हैं। और इस ठंडे मौसम में मेरे हाथ में है ये वाइन कलर रोजी, नेचर को एंजॉय करते हुए, मौसम को एंजॉय करते हुए।